दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला खेला गया। दोस्तों फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर बनेगा। दोस्तों अगर आप टीम इंडिया के फैन हो उस वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं, टीम ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से वॉर्नर और मिचेल मार दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप करी। दोस्तों बात की जाए डेविड वॉर्नर की, तो वॉर्नर ने इस अंतिम फाइनल मुकाबले में 52 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन की बड़ी शानदार पारी के लिए अपनी इन 41 रन की पारी में 6 शानदार चौके भी जड़े। 78.84 की स्ट्राइक रेट से डेविड वॉर्नर ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों इनके यहाँ पर बल्लेबाजी को रोकने आए कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए पर खुए कैच खुद उन्होंने लगा यहाँ पर वॉर्नर का 41 रन पर वॉर्नर आउट। दोस्तों मिचेल मार्च की बात की जाए तो 6 गेंदों पर यहाँ पर 0 रन के पर डक पर आउट हो गए। बुमराह गेंदबाजी करने आया और यहाँ पर कोहली ने शानदार कैच किया। मिचेल मार्च बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ ने यहाँ पर 71 गेंदों का सामना किया और संभाल कर एक पारी खेली, 46 रनों की बेहतरीन पारी खेली जिसमें इन्होंने 5 यहाँ पर शानदार चौके मारे। 64.78 स्ट्राइक रेट इनकी बल्लेबाजी रही। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने और स्टीवन स्मिथ की शानदार पारी को 46 रनों के स्कोर पर चलता किया। जडेजा ने आते स्मिथ को 46 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। स्मिथ 46 रन बनाकर आउट। चौथे नंबर पर आया मानस लाभूषण, इन्होंने 41 गेंदे खेली और 27 रन बना दिए, इसमें एक शानदार चौका भी मारा। 65.85 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी स्टीवन स्मिथ के साथ 50 रनों की। दोस्तों जडेजा फिर से गेंदबाजी करने आया जो स्टीवन स्मिथ को बॉल कर चुके थे। आते ही मानस लाभूषण के कैच करवाया राहुल के हाथों और लाभूषण को 27 रन के स्कोर पर आउट किया। 2 सफलता ले ली जडेजा ने एक ही ओवर में। दोस्तों इसके बाद 5वें नंबर पर मैक्सवेल बल्लेबाजी करना है, 25 गेंदों पर 15 रन बना, एक चौका मारा 60 की स्ट्राइक रेट से। वहीं कुलदीप यादव ने मैक्सवेल को चलने नहीं दिया, मात्र 15 रन की इनकी पारी पर इनको चलता गया। 15 नंबर बोल्ड किया और कुलदीप यादव ने मुकाबले में कुलदीप यादव को दूसरी सफलता हाथ लगी। इसके बाद 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने एलेक्स करी ने 2 गेंदे खेली, 0 रन ही बनाया। जडेजा नाती फिर से एलबीडब्ल्यू आउट किया एलेक्स करी को 0 रन के स्कोर पर। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी करने उतरे। कैमरून ग्रीन ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए 40 की स्ट्राइक रेट से। दोस्तों अश्विन गेंदबाजी करने आए, पांड्या ने शानदार कैच किया और कैमरून ग्रीन 8 रनों के स्कोर पर आउट। दोस्तों यहाँ पर अभी तक सारे विकेट स्पिनरों ने चटकाया था जिसमें यहाँ पर कुलदीप यादव जडेजा और अश्विन के नाम यहाँ पर शामिल है। दोस्तों इन तीनों ही स्पिन गेंदबाजों ने आज फाइनल मुकाबले की पूरी रूख ही बदल के रख दिया और टीम इंडिया दोस्तों ये फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 का जीत गया। और दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 का टीम इंडिया यहाँ पर चैंपियन भी बन गया। स्टार्टिंग में दोस्तों वॉर्नर ने स्टार्ट बेहद शानदार दिया था 41 रनों का, लेकिन स्टार्ट को ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि उनके साथ ही खिलाड़ी मिचेल मार्श काफ़ी दबाव में दिखाई दिए और इसी दबाव के चलते उन्होंने हवा में शॉट किया और यहाँ पर मिड ओवर की दिशा में कोहली ने शानदार कैच करते हुए मिचेल मार्श को 0 पर यहाँ पर कैच किया और मिचेल मार्श आउट हो गए। बुमराह को यहाँ पर पहली सफलता हाथ लगी थी। इसके बाद स्मिथ ने पारी को संभाला, 46 रनों की पारी खेली दबाव में आके और मानस लाभूषण स्मिथ के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन इस पारी को यहाँ पर पार्टनरशिप को ब्रेक किया जडेजा ने। जडेजा ने आती स्मिथ को बोल्ड किया 46 पर, तो वहीं यहाँ पर जडेजा ने मानस लाभूषण को 27 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। मैक्सवेल की इसके बाद छोटी पारी 15 रनों की जिसको कुलदीप यादव ने यहाँ पर 15 रनों पर ही रोक दिया। कुलदीप यादव ने मैक्सवेल को चलता किया। इसके बाद अंत में कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी करना है, 8 रन बनाए 20 गेंदों पर, लेकिन ये भी अश्विन की गेंद का यहाँ पर शिकार बन गए। ग्रीन भी 8 रन बनाकर यहाँ पर दोस्तों आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद बात की जाए तो 8वें नंबर पर पैट कमिंस कप्तान ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाजी करने उतरे। पैट कमिंस ने यहाँ पर 24 गेंदे खेली जिसमें 15 रन बनाए। इन्होंने टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहा लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए। बुमराह गेंदबाजी करने और यहाँ पर अय्यर ने शानदार कैच किया और कप्तान पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 15 रनों के स्कोर पर आउट। इन्होंने अपनी 15 रनों की पारी में एक छक्का तो एक चौका मारा। 62.50 की स्ट्राइक रेट से इनकी यहाँ पर बल्लेबाजी रही। बुमराह ने दोस्तों यहाँ पर दूसरी सफलता हाथ लगी। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी करना है। स्टार्क ने शानदार गेंद बल्लेबाजी करी यहाँ पर 35 गेंदे खेलते हुए 28 रन बना दिए जिसमें एक छक्का तो 2 चौके भी शामिल थे। 80 की स्ट्राइक रेट से मिचेल स्टार्क ने बल्लेबाजी करी। 200 मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने और अय्यर ने शानदार कैच किया। मिचेल स्टार्क यहाँ पर 28 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। इतनी शानदार गेंदबाजी रही मोहम्मद सिराज की। इसी दौरान दोस्तों 9वें नंबर पर एडम जैम पर बल्लेबाजी करना है, जिन्होंने यहाँ पर 20 गेंदे खेली और 20 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाए 30 की स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आया, कोहली ने शानदार कैच करते हुए जेम्पा को 6 रनों के स्कोर पर चलता गया। 10वें नंबर के बल्लेबाज जोश हेजलवुड ने एक गेंद खेली, 1 रन बनाया मात्र 100 की स्ट्राइक रेट से। दोस्तों यहाँ पर 12 रन एक्स्ट्रा के मिले टीम ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें से 6 वाइड के रन 6 लेग बैक रन मिले। 49.3 ओवर के अंदर टीम ऑस्ट्रेलिया 199 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 4.02 की रन रेट से ही अपनी यहाँ पर बल्लेबाजी कर पाई और 200 रनों का लक्ष्य दिया टीम इंडिया को इस फाइनल मुकाबले में। दोस्तों आइए बात करते हैं किस प्रकार ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेट गिरे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो पहला विकेट था वो बेहद जल्दी गिर गया था 5 रन के स्कोर पर ही। जहाँ दोस्तों मिचेल मार्श और यहाँ पर वॉर्नर के बीच मात्र 5 रन की पार्टनरशिप हो पाई। यहाँ पर 2.2 ओवर के अंदर मिचेल मार्श का विकेट 5 रन के स्कोर पर गिरा टीम का पहला विकेट। फिर दोस्तों दूसरा विकेट गिरा था 74 पर सीधा डेविड वॉर्नर का। इसी बीच यहाँ पर 69 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी स्मिथ और वॉर्नर के बीच।
मुंडा का विकेट 74 पे गिरा 16.3 ओवर के अंदर। तीसरा विकेट भी गिरा 210 पर स्टीवन स्मिथ का 27.1 ओवर के अंदर। चौथा विकेट गिरा 119 पर मानत लभूषण का, जिन्होंने स्मिथ का अच्छा साथ दिया 29.2 ओवर के अंदर, ये भी आउट हो गए। पांचवा विकेट गिरा टीम में 119 पर एलेक्स कैरी का 29.4 ओवर के अंदर। छठा विकेट 140 पर ग्लेन मैक्सवेल का गिरा, वहीं सातवा विकेट 140 वापस गिरा। आठवा विकेट 165 पर पेट कमिंस, तो नवा 189 पर जेम्बा का, तो दसवा विकेट अंतिम विकेट यहाँ पर विजय स्टार का गिरा। 28 रनों के स्कोर पर रन बनाए इन्होंने, 199 पर विकेट गिरा और पूरी टीम 199 पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद बात की जाए दोस्तों टीम इंडिया की गेंदबाजी की, तो किस प्रकार गेंदबाजी रही। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए और 3.5 की इकोनॉमी इसी दौरान यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, और यहाँ पर 4 वाइड गेंद भी फेंकी, लेकिन यहाँ पर गजब की गेंदबाजी रही जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों आइए बात करते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने 6.3 ओवर के अंदर यहाँ पर एक मेडन फेंका, 26 रन दिए और एक विकेट निकाला 4 की इकोनॉमी से, और यहाँ पर 2 वाइड गेंद फेंकी। इनकी इकोनॉमी यहाँ पर गजब की रही गेंदबाजी के दौरान। मैं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 28 रन दिए, महंगे साबित हुए, 9.33 इकोनॉमी से रन उठाए, लेकिन एक विकेट भी मिला यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों हार्ड अश्विन, अश्विन की बात की जाए 10 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट निकाला, एक ओवर मेडन फेंका अश्विन, और 3.40 इकोनॉमी से अच्छी यहाँ पर इनकी भी गेंदबाजी रही। कुलदीप यादव की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर 10 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट निकाले, 4.20 की इकोनॉमी से कुलदीप यादव ने यहाँ पर गेंदबाजी करी, बेहतरीन शानदार गेंदबाजी रही। कुलदीप यादव ने लगातार दबाव बनाया रखा। मेरे जडेजा की बात की जाए तो इन्होंने 10 ओवर फेंके, 28 रन देकर 3 विकेट निकाले और 2 मेडन ओवर फेंके, 2.80 की इकोनॉमी से जडेजा की गेंदबाजी रही। यहाँ पर जडेजा और कुलदीप यादव ने शानदार पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पर दबाव बनाया रखा, इसी के चलते दबाव में विकेट गिरती गई ऑस्ट्रेलियन टीम के एक के बाद एक। वहीं यहाँ पर जडेजा ने स्मिथ को आउट किया, वो बेहद ही शानदार मूवमेंट था टीम इंडिया के लिए। कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन तीन ही स्पिनर गेंदबाजों ने मिलकर टोटल 6 विकेट अपने टीम इंडिया के लिए निकाले। तो वहीं फास्टर ने यहाँ पर बुमराह, मोहम्मद सिराज, पांड्या ने मिलकर 4 विकेट निकाले। दोस्तों बेहद ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी रही टीम इंडिया की पूरी, और सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात की जाए दोस्तों आज के मुकाबले में रही वो रही है जडेजा की, जिन्होंने 10 ओवर में मात्र यहाँ पर 28 रन दिए, उसी के साथ 2 ओवर मेडन तो फेंके ही है और यहाँ पर 3 विकेट भी निकाले, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा विकेट था स्मिथ 46 रन के स्कोर पर, जो कि अच्छी पारी खेल रहे थे, रनआउट शतक के भी काफ़ी करीब थे। उनकी और मानस लभूषण की पार्टनरशिप काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जडेजा ने आकर ब्रेक किया पार्टनरशिप को, पहले यहाँ पर आउट किया स्मिथ को कुछ 46 रनों के स्कोर पर। तो दोस्तों उसके बाद मानस लभूषण को भी चलता गया 26 रनों के स्कोर पर, तो ये बहुत ही बड़ी सफलता थी टीम इंडिया के लिए और रविंद्र जडेजा के लिए, जिन्होंने एक ही ओवर में यहाँ पर टीम इंडिया को यहाँ पर शानदार मोमेंटम दिला दिया। तो वहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम को बैक थ्रो पे फेंक दिया। वहीं दोस्तों बात करते हैं 200 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन दोनों बल्लेबाजी करने उतरे। कप्तान रोहित शर्मा 206 गेंदे पर यहाँ पर 0 बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद ने अच्छी गेंदबाजी करी, कप्तान रोहित शर्मा को 0 पर यहाँ पर एलबी आउट किया। वहीं ईशान किशन की बात की जाए मैच की पहली गेंद पर यहाँ पर स्टार के हाथों शिकार हो गए, ग्रीन ने कैच किया, किशन भी 0 पर डक पर आउट। टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज 0 पर डक पर आउट हो गए। ऐसे में टीम इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पर चिंता का विषय था कि अब क्या टीम इंडिया ये फाइनल मुकाबला जीत पाएगी, लेकिन 230 नंबर पर यहाँ पर विराट कोहली बल्लेबाजी करना है, और विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करी और टीम को यहाँ पर संभाल लिया। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो विकेट गिरे थे वो भी गिरने नहीं दिए, टिक टिक के खेले। विराट कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 6 शानदार यहाँ पर बाउंड्रीज लगाई। 73.27 रेट से विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों वहीं एक छोर से हेजलवुड गेंदबाजी करना है, और लभूषण ने अच्छा कैच किया और विराट कोहली 85 रनों के स्कोर पर आउट, और विराट कोहली एक बेहद ही शानदार 85 रनों की बेहतरीन बहुमूल्य पारी यहां पर समाप्त हुई। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन दोस्तों वो विराट कोहली का साथ नहीं दे पाए, 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए डक के स्कोर पर। दोस्तों इसके बाद पाँचवें नंबर पर के एल राहुल बल्लेबाजी करना है। के एल राहुल ने दोस्तों 115 गेंदों में यहाँ पर 97 रनों की एक शानदार दोस्तों पारी खेली, 197 रनों पर नाबाद रहे, जिसमें इन्होंने 8 चौके तो 2 छक्के जड़े। 84.34 की स्ट्राइक रेट से के एल राहुल ने बल्लेबाजी करी। वहीं दोस्तों अपने शतक से मैच 3 रन से चूक गए, लेकिन टीम इंडिया को यह फाइनल मुकाबला जीता दिया। वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 8 गेंदों पर 11 रन बनाए, जिसमें एक छक्का मारा था 137.50 की स्ट्राइक रेट से। वहीं दोस्तों टीम इंडिया को 8 रन एक्स्ट्रा के मिले थे, 5 वाइड के, 1 नो बॉल के रन। तो वहीं दोस्तों बात की जाए 41.2 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने यह स्कोर आसानी से चेस कर लिया। विराट कोहली और के एल राहुल की बेहद ही शानदार पारी की बदौलत दोस्तों एक विकेट गिर जाने के बाद यहाँ पर अच्छी पारी खेली के एल राहुल विराट कोहली ने। 41.2 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने स्कोर चेस किया, 201 रन बनाए, 4 विकेट खोकर आसानी से खिताब जीत लिया। तो बात करते हैं टीम इंडिया के विकेट की, तो पहला विकेट 2 रन पर गिरा मात्र यहाँ पर ईशान किशन का 0.4 ओवर के अंदर पहले ही ओवर में। वह दूसरा विकेट गिरा 2 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा का। तीसरा विकेट गिरा श्रेयस अय्यर का, यहाँ वो भी 2 रन के स्कोर पर। इसके बाद विराट कोहली और राहुल ने अच्छी शानदार पार्टनरशिप करी और टीम इंडिया को संभाल लिया। दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने 8 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट निकाला, 3.87 इकोनॉमी रही,
और 3 वाइड गेंद फेंकी। जॉस हेजलवुड ने 9 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट निकाले, 1 मेडन फेंका और 4.22 की इकोनॉमी रही इनकी 1 वाइड गेंद फेंकी। पैट कमिंस ने 6.2 ओवर में 33 रन दिए 5.21 की इकोनॉमी से 1 वाइड गेंद 1 नो बॉल फेंकी। मैक्सवेल ने 8 ओवर में 33 रन देकर 4.12 की इकोनॉमी से रन दिए। कैमरून ग्रीन ने 2 ओवर में यहाँ पर 11 रन दिए 5.5 की इकोनॉमी से। भाई दोस्तों, एडम जेम्पा ने जो कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के एकमात्र यहाँ पर स्पिन गेंदबाज जो कि इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इनके लिए गेंदबाजी काफ़ी मुश्किल है। यहाँ दोस्तों ने 8 ओवर में 53 रन दिए, काफ़ी पिटाई हुई, 6.62 की इकोनॉमी से रन लुटाए। दोस्तों लास्ट में टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई। दोस्तों टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का यहाँ पर फाइनल मुकाबला जीत चुकी है। तो दोस्तों इस पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।